आज मोहन भागवत नागपुर में दशहरा का जो दौरा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि नागपुर हिंसा हो नहीं रही, मणिपुर में करवाई जा रही है। उनकी जो जानकारी होगी नीचे करो उस आधार पर वो कह रहे होंगे जी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारी तो उतनी जानकारी नहीं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हिंसा लगातार हो रही है और उसको रोका नहीं जा रहा है, जबकि भारत की सरकार सक्षम है। अभी तक देश की जनता आशा करती थी कि जिस भी कारण से हिंसा भड़क गई, कभी हिंसा भड़क सकती है, लेकिन उस पर समय रहते काबू पा लेना उचित होता है। अब महीनों बीत गए, महीनों के बाद भी हिंसा जारी है, तो ये तो कोई अच्छे लक्षण नहीं है ना। हो रही है कि कराई जा रही है कि कौन उसके पीछे है, ये सब तो सरकारें जान सकती हैं या सरकारों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जान सकते हैं, आम लोग तो नहीं जान सकते। लेकिन आम लोग ये ज़रूर देख रहे हैं कि लगातार महीनों से हिंसा जारी है और अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। कह रहे हैं कि 2024 में कुछ लोग जो हैं वो भावनाएं भड़का रहे हैं वोट लेने के लिए। देखिए सरकार क्या कर रही है, यही सवाल है कि अगर किसी के गलत मंसूबे हैं तो उनको सामने लाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए, सरकार का ये काम होता है। तो जो सरकार है वो हिंसा पे काबू पाने में असफल रही है और कुछ लोगों की बात कर रही है, वो कौन लोग हैं आप सामने लेके आओ ना, उनके ऊपर कार्रवाई करो ना, कोई मना तो नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में सरकार जो सनातनी होने का दम भरती है और उसी सनातनी सरकार का हिस्सा साध्वी उमा भारती जो है वो मुख्यमंत्री को लेटर लिख रही शराबबंदी के लिए, कह रही लाडली बहना जो है मुख्यमंत्री से कह रही कि शराबबंदी की, लेकिन सुनी नहीं जा रही, अकेली लड़क पड़ गई है। देखिए उमा भारती जी चाहे जिस भी कारण से वो बात कह रही हों, लेकिन वो बात इतनी वजनदार है कि उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। शराब से जनजीवन त्रस्त हो चुका है, जितने अपराध हो रहे हैं उनके पीछे मुख्य रूप से कारण अगर खोजा जाए तो शराब ही निकलती है। सारी बहनें समस्या में हैं, हम गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ पर माताएं हम लोगों से कहती हैं कि शराब ने हमारे घर को तबाह करके रखा है। तो उमा भारती की जो बात है तो बहुत ही गंभीर है और बिल्कुल उस पर बल दिया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए।